रीवा में पुलिस और श्रमिकों के बीच जमकर चली लाठियां, कई पुलिसकर्मी सहित श्रमिक हुए घायल। एडीजी डीआईजी एसपी ने संभाला मोर्चा, कई लोग हिरासत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ढेकहा तिराहा से जहां पर एक श्रमिक के साथ हुई मारपीट की घटना, जिसके बाद नाराज श्रमिकों ने चक्का जाम कर दिया, उसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पुलिस और श्रमिकों द्वारा लाठियां भाजी गईं और जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें पुलिस और श्रमिक भी घायल हुए हैं। बताया गया है कि रीवा शहर के भाजपा कार्यालय के सामने ढेकहा तिराहा मेन रोड में काम की तलाश में खड़े श्रमिकों और आस्था मेडिकल स्टोर की सिक्योरिटी गार्ड से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें झूमा झटकी हुई, जिसमें एक श्रमिक घायल हो गया, जिसके बाद नाराज श्रमिकों ने बीच सड़क पर चक्का जाम कर दिया। शहर की व्यस्तम रोड होने के कारण आवागमन बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और श्रमिकों के बीच बातचीत हुई और देखते ही देखते जमकर पथराव और लाठियां चलने लगी, जिसमें पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी। वहीं श्रमिकों ने भी पुलिस को रोड में दौड़ा दौड़ा कर मारा, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं उपद्रवियों द्वारा पास खड़ी एक गाड़ी में भी आग लगा दी गई। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे रीवा एडीजी, रीवा डीआईजी और रीवा एसपी विवेक सिंह द्वारा स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी स्थल भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज और एक्टिविटी के आधार पर कुछ संदेशों को भी पकड़ा गया है। ये ढेकहा तिराहा थाना सिविल लाइन क्षेत्र का आता है और यहाँ पे मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें जिनको आवश्यकता होती है वो मजदूरों को लेकर जाते हैं कार्य के लिए। तो यहाँ पे करीब 250-300 की संख्या में उपस्थित थे। मॉर्निंग में एक विवाद हुआ सिक्योरिटी गार्ड मजदूर के बीच में, जिसमें मजदूर को शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगी है और जिसके बाद जो यहाँ उपस्थित 250-300 मजदूर थे और जो आ रहे थे करीब 400-500 फिर वो हो गए थे, उन्होंने पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर दी थी और उन्होंने पत्थर भी चलाए हैं और दुकान को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, गाड़ी को भी उन्होंने जलाया है। और हमारी पुलिस जब स्टार्टिंग में समझाइश के लिए गई थी तो उसके साथ भी झूमा झटकी करके उनके साथ भी मारपीट की है, जिसमें हमारे कुछ थाना प्रभारियों को भी चोट लगी है, कुछ पुलिस बल को भी चोट लगी है। अभी वर्तमान में स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है अतिरिक्त बल बुला के, और सीसीटीवी फुटेज और कैमरे रिकॉर्डिंग के आधार पर जो लोग भी चिन्हित पाए जाएंगे या जो प्रोवोक किए होंगे उनके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ संदेहों को हिरासत में लिया है, उनके रोल भी चेक किए जा रहे हैं और जिसको चोट लगी थी उसको भी इलाज के लिए भेजा गया है। सर, कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई? नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं। सिविल लाइन थाने में आता है, यहाँ जो है लेबर जो जो डेली वेज लेबर रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए और डेली वेज, यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते डेली। तो ये बिल्कुल जहाँ अड्डा है उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है, उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसके पास जो चाबी चल रहा था उससे कुछ मारा होगा लेबर को, उसको चोट आई तो उसमें वो लोग भड़क गए। तो यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया हम लोगों ने, तो पुलिस वाले भी आए तो पुलिस वाले भी हमारे TNTI की चोट आई है, दो अन्य पुलिस वाले तो बल हम लेके आके हम उनको यहाँ पिकअप पिकर किया, अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, केस दर्ज करेंगे, दर्ज कार्रवाई करेंगे। आए दिन विवाद की स्थिति बनती है यहाँ पे भीड़ की वजह से, ऐसा हमेशा होता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है, हमने फिर कलेक्टर साहब को बोल के जी जी पथराव नहीं हुए जी। कितने लोग घायल किया गया? हमारे पुलिस वाले तो 5 लोग गए, 3 टीआई, दो सिपाही। सर, आप खुद मैदान में उतरे हैं, कैसी स्थिति है? तो अभी तो नॉर्मल, हमने तितर बितर कर दिया, पूरा बल हमारे पास है, बहुत सारे बल है, पर्याप्त बल है, ट्रैफिक भी नॉर्मल होता है। ठीक आज दुकान आज मामला ये था कि रोज़ यहाँ हजारों लेबर इकट्ठा होते हैं, रोज़ नशा करके इकट्ठा होते हैं और यहाँ एक गार्ड रहता था मेरा, उसको उनको जगह खाली कराता था कि भाई आने जाने का रास्ता दे दो। आज उसी के साथ मारपीट किए, जब मारपीट किए तो खुद अपने सर में चोट लगवा लिए और रास्ते में लिटा दिए और आए दिन ये का हाल ये था, रोज मारपीट करते थे, एक्सीडेंट दुर्घटना होती थी। हम लोग बार बार शिकायत किए थे कि भाई ये होती, लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा था। आज जिस चीज़ का अंदेशा था कि जो नहीं होना था आज वो हो गया, गाड़ी को आग लगा दिए, दुकान की तोड़फोड़ कर दिए, आदमियों को पत्थर लगे हैं, इतना तोड़फोड़ किए जिसकी आशंका आप लोगों पर, कम से कम हजारों की भीड़ थी और उसमें से जाम लगता है इनके कारण, इनके बहुत सारी, अब बताइए जो अभद्रता करते हैं, जो पुलिस वालों के साथ मारपीट कर लिए, उनका सर फोड़ दिए, वो हम लोगों का क्या करते अगर हम लोग अपनी जान बचा के ना भागते तो। क्या सुना आपका? मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं आस्था मेडिकल स्टोर का संचालक हूँ जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।